हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। और इस वीडियो पे आज हम दिखाने वाले हैं कि मछली और अरबी की सब्जी आप अपने घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मसाला ले लिया है और अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे मिक्सी मशीन में। तो मिक्सी मशीन में पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक और इसी के साथ इसमें जीरा वगैरह सारा एक साथ ऐड करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं सारा कुछ हमने इसमें ऐड कर लिया है और अभी हम इसको इसका पेस्ट बना लेते हैं। अभी देख सकते हैं हमने मछली को अच्छे से धो लिया है और कितने अच्छे अच्छे पीस अभी देख सकते हैं, धुलने के बाद बिल्कुल साफ है। और अभी इसमें मसाला वगैरह मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं आधी चम्मच, फिर हमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेना है आधी चम्मच, अब आधी चम्मच हल्दी ऐड कर लेना है। अभी ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हाथों से। मिक्स करने के टाइम पे ध्यान रखना है, एकदम बढ़िया से मिक्स करना है जिससे कि हर एक पीस पे अच्छे से मसाला लग जाए। तो देखिए एकदम मसाल मसाल के इस तरीके से मिक्स कर लेना है बढ़िया से, और फिर हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, तेल हमने गरम कर लिया है और अभी सारे जो हमारे मछली के पीसेस थे एक एक करके हमें तेल में इस तरीके से फ्राई कर लेना है। देखिए एक एक करके हमें इस तरीके से सारे मछली की पीस को इसमें ऐड कर देना है और फिर हल्की आंच में इसको फ्राई करते रहना है। पहले एक साइड अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर इसको पलट के इसके दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेंगे। अभी हमने सारे मछली की पीस जो था इसमें हमने डाल दिया है गरम तेल में और अभी कुछ टाइम तक इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई होने के लिए रखते हैं और फिर एक साइड जैसे ही फ्राई हो जाएगा फिर इसको पलट के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट में ही हमारा जो मछली की पीस था वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो देखिए पहले ये ऑरेंज कलर में था, अभी थोड़ा सा इसका कलर चेंज होकर रेड कलर में आ गया है, तो मतलब एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी हमें देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है और अभी हमें इसके दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेना है। तो देखिए थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा कलर आ गया, मतलब एक साइड अच्छे से तैयार हो गया। अभी हम दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि सब्जी किस तरीके से बनाया जाता है अरबी और मछली की। आप अगर चाहे तो इस तरीके से फ्राई मछली भी खा सकते हैं निकाल के, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने जितना करा इससे थोड़ा सा और हमें इसको फ्राई कर लेना है, फिर आप चाहे तो फ्राई मछली भी खा सकते हैं। तो अभी देखिए कितना अच्छा दोनों साइड हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी हमें सारे मछली के पीस को निकाल लेना है और फिर अलग से इसको रख देते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने मछली के पीस निकाल लिए हैं और अभी देखिए प्लेट में अलग से रखा है, तो अभी कितना अच्छा लग रहा है, सारे मछली के पीस अच्छे से फ्राई हो गया है। और अभी हम इसकी सब्जी भी बना के दिखा देते हैं। तो अभी हमने दोबारा से तेल गरम कर लिया है और अभी इसमें देख सकते हैं जीरे की छौंक लगा दिया है, थोड़ा सा इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे कुछ टाइम तक। तो अभी इसमें 2-3 तेज़पत्ता भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 2-3 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। और अभी कुछ टाइम तक इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा तेल में इसको मिक्स कर लेना है। फिर जो हमने पेस्ट बनाए थे वो सारे पेस्ट अभी इसमें हमें ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो जितना आप मिर्ची खाते हैं उस हिसाब से ही आपको ऐड करना है, अगर आप कम मिर्ची खाते हो तो कम ऐड करना है, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा ऐड कर लेना है स्वाद अनुसार। तो 2 चम्मच मिर्ची ऐड कर लिया है हमने, अभी इसमें हमें हल्दी ऐड कर लेना है 1 चम्मच। जितना आप सब्जी बनाएंगे उसी हिसाब से आपको मसाले ऐड करना है, जैसे हम बना रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही नहीं डालना है, अपने अंदाज में आपको ऐड करना है। जितना आप सब्जी बनाएंगे उतना ही मसाले वगैरह आपको ऐड करना है। तो देख सकते हैं सारा कुछ ऐड करने के बाद अभी हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है तेल के साथ, अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। और अभी जो हमने मसाले की पेस्ट बनाए थे वो इसमें ऐड कर लेना है। तो ये रहा प्याज, लहसुन और अदरक की पेस्ट जो हमने बनाए थे वो अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है और हल्की आँच में इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेना है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जब आप मसाला पकाते हैं तो आपको धीमी आँच में इसको अच्छे से पकाते रहना है, धीमी आंच में 3 से 4 मिनट के अंदर आपका मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी हमारा मसाला तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा और अभी हम सबसे पहले इसमें नमक ऐड कर लेते हैं।
तो हम यहाँ पे 2 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करना, जितना आप नमक खाते हैं उतना ही आपको नमक इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और कुछ टाइम तक और इसको पका लेना है अच्छे से। तो अभी हम इसमें आधे से भी कम चम्मच यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सब्जी का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो अगर गरम मसाला नहीं खाते हैं तो आप ऐड नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी सब्जी टेस्टी बनेगा। और अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा एकदम इसमें गरम मसाला आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर इसको मिक्स कर लिया है और अभी थोड़े टाइम तक और इसको पका लेंगे और फिर हमारा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, मसाला बनके तैयार हो गया है और अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी का पत्ता ऐड कर रहे हैं स्वाद के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम इसमें कस्तूरी मेथी का पत्ता ऐड करते हैं तो हमारे सब्जी का टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आएगा। और देखिए, मसाला भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाला हमारा सूख रहा है और अभी हमें मसाले को थोड़ा सा और फ्राई करना है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो अभी मसाला थोड़ा सा गीला हो गया है और अभी थोड़े टाइम तक हम इसको और फ्राई कर सकते हैं। और अभी हमें इसमें जो हमने अरबी काट के रखा था वो हमें ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं, अरबी के हमने छोटे छोटे पीस बनाए हैं, आलू की जितने ही छोटे छोटे पीस हमने बना लिया है, और इसको अभी मसाले में ऐड कर देना है और फिर कुछ टाइम तक मसाले के साथ इसको भी फ्राई कर लेना है। तो अभी हमने अरबी को मसाले में मिक्स कर लिया है और अभी इसको हम ढक के पका लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाए पक के। तो 3 से 4 मिनट के बाद अभी हम इसके ढक्कन निकाल रहे हैं और देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला और अरबी फ्राई हो चुका है। तो अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि नीचे के साइड से चिपक जाते हैं, जब आप ढक्कन लगा के कुछ टाइम तक आप रखते हैं तो नीचे के साइड से चिपकने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, अब नीचे से चिपकेगा नहीं। अभी थोड़ा सा इसमें हमें पानी ऐड कर लेना है और फिर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसको पकाने के बाद फिर इसमें जितना हमें तरी रखना है उस हिसाब से हमें पानी ऐड कर देना है। तो दोस्तों, जितना हमें तरी रखना है उतना पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अभी 5 से 6 मिनट इसको हम ढक के पकाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी पक जाए और अच्छे से अरबी सारे गल जाए। तो अभी हम 5 से 6 मिनट इसको ढक के पका लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, 5 मिनट के बाद अभी हम इसके ढक्कन निकाल रहे हैं और देखिए कितना अच्छा उबाल आ चुका है और हमारा सब्जी भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। इसमें बस हमें अब मछली की पीस ऐड करने की देरी है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे अरबी की पीस भी गल चुका है। तो अभी हम सबसे पहले एक एक करके सारे मछली की पीस इसमें ऐड कर देंगे और फिर कुछ टाइम तक इसको और पका लेंगे, फिर हमारा सब्जी बनके तैयार हो जाएगा। सारे मछली की पीस ऐड करने के बाद हमें दोबारा से इसके ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए हमें इसको और पका लेना है। तो 2 मिनट के बाद अभी आप देख सकते हैं, हमने इसके ढक्कन निकाला है और अभी ये देखिए कितना अच्छा इसमें उबाल आया हुआ है और हमारा सब्जी भी बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया है और हमारा सब्जी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं कि कैसा हमारा सब्जी बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने घर पे मछली और अरबी की सब्जी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो पे।